सबसे बड़ा मुद्दा सिद्धार्थनगर का है। ये यहाँ पे बाढ़ क्षेत्र में बाढ़ के समय बहुत ही लोगों को परेशानियां होती है, बाढ़ से समस्या होती है, लोगों की फसलें नुकसान हो जाती है, जिसका किसानों को सही तरीके से मुआवजा नहीं मिल पाता है, और बहुत ऐसी सारी समस्याएं हैं, स्वास्थ्य को लेकर है, शिक्षा को लेकर है, जिस जो यहाँ पे बहुत ही सख्त जरूरत है। और खासकर तो सबसे ज्यादा जरूरत है युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, जो यहाँ से पलायन करके दूसरे शहरों में जाते हैं रोजगार के लिए और वहां पे अपने घर परिवार छोड़ कर रहते हैं, उनके लिए यहाँ व्यवस्था होना चाहिए रोजगार का। इस मुद्दे पर वो वोट करेंगे। इसके अलावा दीपक, सिद्धार्थनगर में अगर देखा जाए तो किसानों की समस्या भी बेहद अहम है, जैसा कि आप लगातार बता ही रहे हैं। पशुओं को लेकर किसानों की समस्या भी बहुत बड़ी है, इसको लेकर भी लोगों में खासा नाराजगी है जी। तो ये मुद्दे हो सकते हैं आज मतदान को लेकर जी। किसान सबसे बड़ा मुद्दा होगा, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा होगा यहाँ का, क्योंकि किसान भी परेशान है, युवा रोजगार के लिए परेशान है, घर छोड़कर पलायन करना पड़ता है। कुछ यहाँ पर मतदाता जो है वो मौजूद है, क्या उनसे बातचीत हो सकती है? उनसे जरा बात करिए, क्योंकि वो अपने मुद्दे बहुत बेहतर तरीके से बता सकते हैं जी। बात करवाते हैं, आइए हम बात करवाते हैं। कुछ युवा साथी है वोट करने के लिए आए हैं मतदान स्थल पर, उनसे पूछते हैं किन मुद्दों पर ये वोट करेंगे जी। क्या नाम है बाबू? आप वोट करने आए हैं और किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? क्या मुद्दे हैं आपके, किसको वोट करेंगे? वोट करेंगे ये आपको हम नहीं बता, ये पूछिए मत दीपक। क्या क्या मुद्दे हैं, किसको वोट करेंगे? ये नहीं, आप ये उनका अधिकार है, आप ये नहीं पूछ सकते। आप ये पूछिए कि कौन कौन से मुद्दों पर को लेकर वो वोट डालने के लिए आए हैं, किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? ये हम आपको नहीं बता सकते। और एक युवा है, उनसे पूछते हैं, भैया आप वोट करने आए हैं, इधर देखिए थोड़ा सा सामने देखिए, आप वोट करने आए, किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप? जैसा कि आपको बता दें, यहाँ का वोटर बहुत होशियार है और अपनी जुबान नहीं खोलना चाह रहा है और ना ही बोलना चाह रहा है कि किस विषय पे मैं क्या करूंगा, लेकिन वोट जरूर करेंगे जी। बिल्कुल, और हमने समझने की कोशिश की है दीपक, आपने बातचीत करी लेकिन मुद्दे भी बताने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि मतदाता पूरी तरह से होशियार है और पता है कि बहुत बड़ी क्या बात है, क्योंकि यहाँ के मतदाता बहुत होशियार है, अपनी बात किसी के सामने रख नहीं रहे हैं, ना ही खुलकर बोल रहे हैं, क्योंकि जो उन्हें करना है वो करेंगे लेकिन कुछ किसी से कहेंगे नहीं जी। सुरक्षा व्यवस्था कैसी है दीपक मतदान केंद्रों पर? जी, सुरक्षा व्यवस्था ठीक है, हर जगह पे सुरक्षा व्यवस्था बढ़िया है, मतदान ठीक से चल रहा है, कोई इस तरह की घटना नहीं है, और मतदान धीरे धीरे हो रहा है और लोग धीरे धीरे मतदान स्थल पे आ रहे हैं और मतदान कर रहे हैं जी।